हेलो एवरीवन, दिस इज़ कावेरी पाटिल। आज हम हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और एनसीईआरटी सिक्स्थ का सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसके बारे में बात करेंगे। हंटिंग गैदरिंग एक प्रिमिटिव एक्टिविटी थी जिसमें अर्ली ह्यूमंस हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू अपना फूड कंजम्पशन करता था। हंटिंग शिकार करना, गैदरिंग मतलब फ्रूट्स को कलेक्ट करना, इसको हम हंटिंग गैदरिंग बोलते थे। बट कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो हंटिंग गैदरिंग वगैरह वाली एक्टिविटीज़ को छोड़कर कैसे वो फूड को ग्रो करने लगा, कैसे वो एग्रीकल्चर करने लगा, कैसे वो सेटल लाइफ में आया, ये एक पूरी जर्नी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। ओके, सो एनसीईआरटी खास बात एक्चुअली ये होती है, क्वेश्चन एंड द फॉर्मेट में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था, उसके चार रीज़न इस चैप्टर में आपको बताए गए हैं। जैसे पहला रीज़न है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हम किसी भी एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज ही होते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं। जब ये एनिमल्स को आप हंटिंग कर रहे हो या फिर आप फूड की गैदरिंग कर रहे हो, तो एक समय बाद ये एनिमल्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और एक समय बाद ये फूड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन को मूव करना पड़ेगा बिकॉज इस जगह के रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, बट उसको फर्दर उसके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आगे एनिमल्स की नीड होगी फॉर हिज फूड कंजम्पशन, और उसको फूड्स की नीड होगी। ठीक है, तो पहला रीज़न है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड रीज़न इज मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का नेचर मोबाइल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं उनको फॉलो करते हुए, बिकॉज ह्यूमन का एट दैट टाइम जो मेन सोर्स ऑफ फूड था वो था एनिमल, तो उनको फॉलो करते हुए ह्यूमन को मूव करना होता था। तो सेकंड रीज़न जो था मूव करने का वो था मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। थर्ड रीज़न वॉज फ्रूट्स आर सीजनल। ठीक है, जो फ्रूट्स होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में ही लगते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी सीजनल ही होते हैं। ठीक है, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको सीजन टू सीजन मूव करना पड़ेगा, तो ये थर्ड रीज़न है। एंड फोर्थ रीज़न इज़ कि बहुत से रिवर्स और जो लेक्स हैं वो सीजनल है। देखो, रिवर्स या फिर लेक्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है पेरिनियल और एक होता है सीजनल। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जो साल भर उसमें पानी होता है ना, और सीजनल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन में पानी होता है। अब पानी की रिक्वायरमेंट तो है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करें, तो हम लोग मूव करते हैं जहाँ पर वाटर सोर्स हमारे पास होगा। ठीक है, एक सीज़न में इस रिवर का पानी खत्म हो गया तो फिर हम यहाँ से मूव करके ऐसे दूसरे रिवर पर चल जाएंगे जहाँ पर हमको पानी मिले। ठीक है, तो चार रीज़न से यहाँ पर मेंशन किए गए कि जिस वजह से ह्यूमन मूव करता था। ओके, अब सेकंड जो टॉपिक है वो इस बारे में आपको बताता है कि हंटिंग एंड गैदरिंग तो ठीक है हो गई, बट हंटिंग एंड गैदरिंग की कैसे जाती थी। आपको अगर एनिमल को हंट करना है तो आपको एक पर्टिकुलर वेपन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको किसी अस्त्र की रिक्वायरमेंट होगी। तो अस्त्र एक्चुअली बनाना एक टिपिकल टास्क था बिकॉज आपके पास अभी कोई भी मेटल अवेलेबल नहीं है, ना ही आपके पास आयरन अवेलेबल है, ना ही आपके पास कॉपर अवेलेबल है। आप अभी कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो स्टोन के ऊपर, दैट्स वाई इस स्टेज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी स्टोन को से कुछ चीज़ बनाई जा रही है तो यहाँ पर दो मेथड यहाँ पर यूज़ होती थी स्टोन के वेपन्स बनाने के लिए। बेसिकली पहला जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन मेथड, एंड सेकंड मेथड वाज प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। देखो, अगर आपको वेपन को बनाना है, पहला काम आप करोगे उसको एक पर्टिकुलर शेप दोगे। जैसे यहाँ पर आपको एक वेपन दिख रहा है जिसका एक पर्टिकुलर शेप है जो इस टाइप का है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आप क्या करोगे, इसको शार्प करोगे। शेप दे दिया, अब आपको शार्प करना है। तो शेप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोन ये साथ में लिया, एक स्टोन ये साथ में लिया, इससे इसको शेप देने का काम किया, दैट इज़ कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन मेथड। तो स्टोन ऑन स्टोन मेथड होती थी, एंड सेकेंड वन वॉज प्रेशर फ्लैकिंग मेथड विच वॉज यूज फॉर शेप ऑफ अ पर्टिकुलर वेपन। ओके, तो शेप देने के लिए वही हम लोग करेंगे कि प्रेशर से जो उसके बोल्डर्स हैं, जो छोटे छोटे से पर्टिकुलरली उभरे हुए पार्ट है उसको हम प्रेशर से रिमूव करेंगे, तो उससे आप उसको पर्टिकुलरली शार्प कर दोगे। तो शेप देना है एंड शार्प करना है। ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड यहाँ पर यूज़ होती थी। अब जहाँ पर ह्यूमन रह रहा है वो तो आपकी रेजिडेंशियल साइट्स हो गई, बट बहुत सारे केव्स में, जैसे ह्यूमन जो है वो नेचुरल केव्स में रहा करता था, तो बहुत सारी केव्स में आपको ये एग्जांपल मिले हुए हैं कि वो वेपन्स भी बना रहे हैं, तो उसको कहा गया रेजिडेंशियल कम फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स वो जगह है जहाँ पर वेपन्स बनाए जाते हैं, इसके अलावा रेजिडेंशियल साइट्स जहाँ पर रहते हैं।
ठीक है, तो रहने के साइड और फैक्ट्री साइड दोनों को जब कंबाइन किया जाएगा दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल कम फैक्ट्री साइड। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको भीमबेटका केव्स जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वहां से मिले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट वन, आपको कुछ साइट्स यहाँ पे मेंशन की गई है कि कहाँ कहाँ पर अर्ली ह्यूमन रहा करते थे। तो देखो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं साइट्स की तो पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। हंटिंग गैदरिंग वाले स्टेज को हम लोग स्टोन एज बोलते हैं बिकॉज स्टोन वॉज द ओनली अवेलेबल मटीरियल एट दैट टाइम। स्टोन का ग्रीक में लिथिक कहा जाता है स्टोन को, दैट्स वाई हम इसको लिथिक एज भी बोलते हैं। तो लिथिक इज द ग्रीक वर्ड मीनिंग स्टोन। लिथिक एज को आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हो, फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, सेकेंड वन इज मिजोलिथिक एंड थर्ड वन इज न्योलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, सबसे पुराना स्टोन एज। मिजोलिथिक का मतलब होता है मिडल स्टोन एज एंड न्योलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। तो ये तीन पार्ट में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। इस मैप के अंदर आपको पैलियोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स एंड न्योलिथिक साइट्स बताई गई है। तो यहाँ पर जो आप रेड कलर में देख रहे हो कर्नूल केव्स, हुंगसी, भीमबेटका, ये कुछ पैलियोलिथिक साइट्स हैं। तो पैलियोलिथिक साइट्स मतलब ओल्ड स्टोन एज की साइट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ओल्ड स्टोन एज बेसिकली क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इससे एक और चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि जो ह्यूमन था अर्ली ह्यूमन जिसमें हम पैलियोलिथिक ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो वो सेंट्रल इंडिया में था, वो साउथ इंडिया में था, कर्नूल केव्स, हुंगसी, ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ह्यूमन रहता कहाँ पे था। तो ह्यूमन कहाँ पे रहता था, तो नेचुरल केव्स में। नेचुरल केव्स इनका शेल्टर हुआ करता था और ऐसी कुछ केव्स थी जहाँ पर ये परमानेंट स्ट्रक्चर हुआ करता था जहाँ पर ये रहता था। अब एक और चीज़ ये है कि ह्यूमन अपना घर भी तो बना सकता था, बट हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था वो यही था कि ह्यूमन मूव कर रहा था। अब अगर वो मूव कर रहा है तो वो परमानेंट हाउस नहीं बना रहा है अपने खुद के लिए, तो फिर उसको यहाँ पर नेचुरल केव्स में ही रहना पड़ रहा है। तो वो कहाँ पर रहता था, तो वो केव्स में रहता था। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल आपको मिलता है इस केव से रिलेटेड, केव पेंटिंग्स का। बहुत सारी केव पेंटिंग्स आपको मिली हुई है, ठीक है, जिसमें भीमबेटका केव पेंटिंग्स एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। तो केव में जब वो रहता था तो अपनी एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए वो केव में पेंटिंग किया करता था। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने हंटिंग की, तो ऐसा कुछ आपको इमेज देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन है और एक एनिमल है, ठीक है, और ये एनिमल के पीछे ह्यूमन भाग रहा है। तो आपको ऐसे पेंटिंग्स वगैरह के एग्जाम्पल के थ्रू पता चलता है कि ये केव में रहा करते थे, ठीक है। इसके अलावा नेम्स एंड डेट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक के बारे में, ठीक है। सो जैसे हमने बात किया स्टोन एज का, जिसको हम लिथिक एज भी बोलते हैं, यहाँ पर तीन पीरियड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये आपने डिवीज़न क्यों किया है, आपने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक में डिवीज़न क्यों किया है, तो ये किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, तो ये आप समझ लो कि पैलियोलिथिक एज जो था इसमें हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। इनका कंप्लीट जो सर्वाइवल है वो डिपेंडेंट है हंटिंग एंड गैदरिंग वाली एक्टिविटीज़ पे, बट नियोलिथिक एज तक आ कर वो लोग एग्रीकल्चर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, फूड को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट के बेसिस पर कि इतना क्या चेंज हो गया कि हंटिंग गैदरिंग से सीधा आप ग्रोइंग फूड वाली एक्टिविटी पर शिफ्ट हो गए। तो ये डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने इसका बेसिकली क्लासिफिकेशन किया हुआ है। यहाँ पर हमको कुछ पर्टिकुलरली लाइन दी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हो, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक, दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। द नेम पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, यहाँ पर आपको पैलियोलिथिक एज में बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हुए हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 1200 ईयर्स अगो, ठीक है, तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से
12,000 ईयर्स अगो तक। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पैलिथिक एज था उसके अंदर रहते थे एप्स। एप्स क्या है? तो ये है आदि मानव, अर्ली ह्यूमन। इनके अलग अलग नाम हैं, सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अभी वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये आप ये समझो अभी कि पहले थे टाइम पीरियड पर लाइक अप टू 12,000 बीसी जो टाइम पीरियड था, तो ये यहाँ पर ऐप रहते थे। मतलब इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम होमो सेपियन, वी आर होमो सेपियन। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा ऐप के बारे में बताया था, उसको आप देख सकते हो। तो एप्स थे, दे आर नॉट होमो सेपियंस। तो इस वजह से यहाँ पर ना आप बोल सकते हो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज रहती थी, और आफ्टर 12,000 बीसी एक अलग स्पीशीज आपको देखने को मिली विच वॉज होमो सेपियन, जो आज का ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, जो हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चेंज होने में कितना टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर डॉग है, ठीक है, डॉग एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाएगा, ठीक है, तो एक या दो दिन में पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है, है ना, लाखों साल करोड़ों साल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में लाइक 12,000 बीसी वाला जो टाइम था, ये टाइम था जिस टाइम पीरियड पर होमो सेपियन का इमर्ज हुआ। ठीक है, और ये जो ऐप है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई होमो सेपियन में। दैट्स वाई पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड इज 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो 1% ही है, उसके बाद तो ह्यूमन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा समझो, और ये याद रखना कि पैलियोलिथिक एज को 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, सो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओके, सो हमने क्या बात की, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तीन पार्ट में आप पैलियोलिथिक एज को फर्दर डिवाइड करते हो। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज दिस वाज अ टाइम व्हेन कंप्लीट स्पीशीज वर चेंजिंग इनटू अनदर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम इसको 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री बोल रहे हैं। इसके अलावा द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज। एनवायरमेंट में चेंज हुआ तो मेसोलिथिक एज हम इसको बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप समझना चीज़ को, पैलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है एंड नियोलिथिक एज है। पैलिथिक एज अर्ली ह्यूमंस है, जिनको हम एप बोल रहे हैं। 12,000 तक ये चलता है पैलिथिक एज, 12,000 तक एक स्पीशीज कंटिन्यू होती है जो एप वाली स्पीशीज है। 12,000 में ब्रेक हो गया और होमो सेपियंस यहाँ पर आ गए, होमो सेपियन आए। इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, वो हो रहा है एनवायरमेंटल चेंजेस। जैसे पहले थे कि जब हम बात करते हैं तो उस पीरियड में चल रहा था आइस एज, तो अर्थ वॉज कम्प्लीटली कवर्ड बाय आइस। ठीक है, बट 12,000 बीसी जो है बेसिकली यहाँ पर आइस भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और एक नया ही पीरियड आपको देखने को मिल रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई है, एक तो आइस मेल्ट डाउन हो गई और सेकेंड यहाँ पर ह्यूमन जो है वो अब एप से होमो सेपियन बन गया। ठीक है, तो ये मेसोलिथिक एज है। अब देखो जब आइस एज था, तो जब भी हम आइस एज की बात करते हैं तो हम एक पीरियड कंसिडर करते हैं जिस पीरियड में बहुत बड़े बड़े भारी भरकम एनिमल्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप एनिमल्स का एग्जांपल देख लो जो अंटार्कटिका में, आर्कटिका में, ठीक है, तो वो एनिमल्स बहुत भारी भरकम एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो एनिमल्स का कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। अब जो एनिमल्स हैं वो कैसे होंगे, जो काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं ग्रास के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो हमने बड़े बड़े स्टोन टूल बनाए थे पहले थे केज में, वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऐसे पर्टिकुलर वेपन चाहिए होंगे जो काफ़ी अगर तेज़ भागने वाला एनिमल है ग्रास के ऊपर, तो उसको बहुत दूर तक वो जाए और सीधा हिट करे। तो हमको छोटे छोटे से टाइनी वेपन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो ये जो वेपन्स हैं, क्योंकि ये छोटे साइज़ के हुआ करते थे जो ह्यूमन ने मेसोलिथिक एज में बनाए, दैट्स वाई इसको हम माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। ठीक है, तो माइक्रोलिथ क्यों बनाया गया, क्योंकि एनिमल के कंपोजिशन में चेंज हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा उसके बाद वाला जो स्टेज है, दैट इज
आफ्टर 10,000 ईयर्स अगो, और यहाँ पर जो पीरियड है इसको हम नियोलिथिक बोलते हैं। नियोलिथिक का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमने तीन पीरियड की बात की, पैलिथिक जिस टाइम पीरियड पर ऐप थे और जिस टाइम पीरियड पर अर्थ के ऊपर आइस कम्प्लीटली कवर्ड थी, ठीक है। सेकेंड पीरियड हम मेसोलिथिक की बात करते हैं, जब होमो सेपियन का इमर्जेंस हुआ और एनिमल के कंपोजिशन में चेंज हुआ, उस टाइम पे हमने छोटे टूल यूज़ किए जिसको हम माइक्रोलिथिक बोलते हैं, और एक पीरियड नियोलिथिक वाला जिसमें एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। तो ये तीन पीरियड आपका बेसिकली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, तो हमने एक बात की कि एनिमल की कंपोजिशन में चेंज हुआ। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि मेसोलिथिक एज में हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब एनिमल्स को पालतू बनाना, इसके साथ साथ हमने इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोला है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड थर्ड जो हमारा पीरियड है वो है नियोलिथिक पीरियड। देखो, आप बारिश के सीज़न के बाद थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसमें कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जो अपने आप ही ग्रो करने लग जाते हैं। ऐसा ही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिला कि एक पर्टिकुलर टाइम जब चेंज हुआ, जब आइस मेल्ट होने लगी और जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर थोड़ा वार्म होने लगा, तो कुछ फ्रूट्स कुछ ग्रेन्स अपने आप ही ग्रो होने लगे, ठीक है। ह्यूमन ने जब उसका कंजम्पशन किया तो उसको लगा कि जो हंटिंग गैदरिंग में करता हूँ ना, तो उसमें मुझे बहुत मेहनत लगती है, क्यों ना मैं इस फ्रूट को या इस वेजिटेबल को ग्रो करना स्टार्ट कर दूँ। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो मुझे खाना भी टाइम पर मिलेगा, क्योंकि कभी हंटिंग गैदरिंग में आपको प्रे मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ठीक है। सेकेंडली, आपको एक जगह पर ही रहना पड़ेगा। अब जो मूवमेंट वाली चीज़ थी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन एड्रेस किया था, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये कन्वीनियंट हो जाएगा बेसिकली ह्यूमन के लिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद स्टार्टिंग होती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ ह्यूमन लाइफ में, मतलब एग्रीकल्चर का जब इमर्जेंस हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आपको ये देखने को मिलता है कि ह्यूमन एक सेटल लाइफ की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और ह्यूमन अगर रुक गया तो फिर अब वो डेवलपमेंट करेगा, अब उसका बस यही काम नहीं है कि उसको सुबह उठकर हंटिंग करने जाना है, अब उसका थोड़ा और भी दिमाग चलेगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ काम कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लेट टू सेटल लाइफ, ह्यूमन सेटल हो गया, ठीक है। उसकी एनर्जी जो थी अब वो दूसरे काम में वेस्ट नहीं होगी, अब वो एग्रीकल्चर करके अपना घर चलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस टाइप से आपको देखने को मिलता है कि नियोलिथिक एज जो है इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंस आपको मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोल रही हूँ, आप लोग ये याद रखना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ नाम की जगह है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, आपको सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस यहाँ से देखने को मिलता है। डोमेस्टिकेशन की हमने बात की थी, इसका आपको एविडेंस मिलता है आदमगढ़ होशंगाबाद से, होशंगाबाद लोकेटेड है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, नियोलिथिक मेसोलिथिक एंड पैलिथिक, ओके। सो ये कुछ टीथ के सैंपल्स हैं जो एनिमल्स के आपको मिले हुए हैं खुदाई में। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि जब ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं था, वो एक वाइल्ड एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब आप एनिमल को अपने पास रख रहे हो तो वो जेंटल हो जाता है, वो इनिशियली जेंटल नहीं होगा, बट आफ्टर सम टाइम जब वो ह्यूमन के साथ रहा तो उसका एक अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके शो करेंगे वो। तो यहाँ पर ये एक तरीके से चेंज उसके अंदर हुआ, वैसे ही जो इनिशियली क्रॉप उगी थी, कल्टीवेट किया गया था, हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, बट आफ्टर सम टाइम जब ह्यूमन ने उसको ग्रो किया तो फिर वो कंजम्पशन लायक होगी। तो यही है कि यहाँ पर जो है एक चेंज आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन डोमेस्टिकेशन कर रहा है, ह्यूमन जब कल्टीवेशन कर रहा है तो एक डिफरेंट टाइप का चेंज हो जाएगा, चाहे हम फूड वेराइटी की बात कर रहे हैं, चाहे हम एनिमल्स की बात कर लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर
एनिमल्स रियरिंग के बारे में बताया है, जैसे हम लोगों ने बात की कि एनिमल रियरिंग की कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग क्यों करेंगे? तो एनिमल रियरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि दो चीज़ें हो सकती है इससे। एक तो यहाँ पर ये एनिमल्स उनको दूसरे एनिमल्स को ढूंढने में हेल्प कर सकता है। जैसे एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग तो न्यूलिथिक एज में हुई, मेसोलिथिक में वो स्टिल अभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल उन्होंने स्टार्ट किया, बट स्टिल अभी हंटिंग गैदरिंग तो वो कर रहे हैं। तो हंटिंग गैदरिंग अगर कर रहे हैं तो कुछ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल डॉग, वो उनको हेल्प करेगा हंटिंग गैदरिंग वाली एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा कभी कुछ जंगली जानवरों से खतरा हो सकता था क्योंकि नेचुरल केव्स में रह रहे हैं न्यूलिथिक के पहले, तो नेचुरल केव्स में रह रहे हैं तो फिर यहाँ पर जंगली जानवरों से बचने के लिए कुछ डोमेस्टिक एनिमल आपको पहले इंडिकेशन दे देते हैं, जैसे कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, वो बार्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा अगर वो बेसिकली फूड ग्रो कर रहे हैं तो फूड कहाँ पर रखेंगे, तो कुछ क्ले पॉट्स में, कुछ अदन पॉट्स में, तो इस टाइप से आपको देखने को मिलता है कि ह्यूमन जैसे जैसे वो होता है, जैसे जैसे उसको चीज़ें मिलती जाती है वैसे वैसे वो कुछ और डिस्कवरीज वगैरह करके, कुछ और चीज़ें करके वो उनको कंज्यूम करने की कोशिश करता है, उसको आगे और बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। इसके अलावा ये स्टोन टूल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये सेटल लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है कि जब ह्यूमन यहाँ पर न्यूलिथिक एज में आएगा, तो न्यूलिथिक एज में होगी स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, हमने ये बात की। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा, क्योंकि अब वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसको एक ही पर्टिकुलर मतलब एक ही पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर साइट है, एक ही पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर साइट है, उसको 3 से 4 महीने वहाँ पर गुजारने पड़ेंगे क्योंकि उसको पूरा हार्वेस्टिंग करनी है, उसको सोइंग करना है, उसको इरिगेशन करना है, तो 3 से 4 महीने एक ही जगह पर वो रहेगा। तो एग्रीकल्चर लेड टू अ सेटल लाइफ, इससे क्या हुआ, तो सेटल लाइफ बनी। और सेटल लाइफ जगह अगर वो करेगा तो अब वो नेचुरल केव्स में नहीं रहेगा। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर उसका खेत है वो किसी केव के पास हो, वो किसी नॉर्मल जगह पर भी हो सकता है। तो उस जगह पर वो अपने कुछ हाउसेस वगैरह बनाएगा। तो उसने क्या किया, सेटल लाइफ के लिए हाउसेस बिल्ड करना स्टार्ट किए। और इन हाउसेस में आपको जनरली बाम्बू हाउसेस देखने को मिलते हैं, कुछ स्टिक से हाउसेस बना लेंगे, मड हाउसेस बना लेंगे, ऐसे हाउसेस मिलते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया है बूर्ज होम के बारे में, जो प्रेजेंट कश्मीर में लोकेटेड है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ऑफ हाउसेस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि जो हाउसेस है वो नॉर्मल बाम्बू हाउसेस, मड हाउसेस ना होकर पिट ड्वेलिंग्स हुआ करते थे। पिट ड्वेलिंग्स क्या होता है, तो बेसिकली जमीन में गड्ढा खोदा, वहां पर कुछ स्टेयर्स वगैरह बनाई चढ़ने उतरने के लिए, और यहाँ पर ह्यूमन रह रहा है। क्यों रह रहा है, क्योंकि कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर में ठंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पिट के अंदर उन्होंने जमीन के नीचे गड्ढा खोदा, वहां पर कुछ घर बनाया और वहां पर वो रह रहा है। तो बुर्ज होम का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बुर्ज होम एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर पिट ड्वेलिंग के एग्जाम्पल मिले हैं। और एक है गुफ कराल, गुफ कराल एंड अनदर वन इज सराईकोला। ये 3 प्लेसेस हैं जो बेसिकली ठंडे रीजन में लोकेटेड है। इसमें बुर्ज होम एंड गुफ कराल, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, और जो सराईकोला है पंजाब का पार्ट है। तो ये तीनों ठंडी जगह हैं, यहाँ पर आपको इनका बेसिकली पिट ड्वेलिंग देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये एक अपना एक सेपरेट टॉपिक है। इसको जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टोन टूल्स आप देख सकते हो जो पैलिथिक एज में बनाए गए थे, वो थोड़ा कंपेरिजन एक्चुअली कर रहे हैं। तो पैलिथिक एज में ये बनाए गए थे, अब क्या होगा न्यूलिथिक एज में। न्यूलिथिक एज में क्योंकि अब उन्होंने ग्रेन को उगाना स्टार्ट कर दिया, तो ग्रेन को पीसना भी पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पर जो बेसिकली चक्की आती है, ठीक है, जैसे मोटार होता है, एक एक पेटल्स होता है, तो ये ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वही आप देख रहे हो कि एक चेंज आया है। एक स्टोन जो आप पहले हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, अब आप किसी और चीज़ में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलरली जार हुआ करते थे जिसमें आप ड्रिंक को स्टोर करोगे किसी पर्टिकुलर, या फिर आप ग्रेन को स्टोर करोगे, आप खाना बनाओगे, ठीक है, तो आप उसको स्टोर करोगे, उसके अंदर आपको एग्जांपल मिलते हैं। ये पिट ड्वेलिंग के एग्जांपल है, मेहरगढ़ में यह हाउस लोकेटेड है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एक्चुअली। मेहरगढ़ में एक बरियल मिला हुआ है। इस बरियल में ये देखने को मिलता है कि एक ह्यूमन की ग्रेव है, ह्यूमन का को बरी किया है,
और उसके साथ उसकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स इसके साथ साथ एक एनिमल को वहाँ पर बरी किया हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलरली कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था जो शायद आज भी एग्जिस्ट करता है, लाइफ आफ्टर डेथ, कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वो कहीं और जाएगा अगले जन्म में, तो जहाँ पर भी वो जाएगा तो ये पॉसिबल है कि ये पर्सनल बिलोंगिंग उसके काम में आएंगी, तो हम उसके साथ ही इसको बरी कर देते हैं। और जो एनिमल है, जो डॉग है बेसिकली, इनका बहुत फेवरेट डॉग था, तो इसको भी इसके साथ बरी कर देते हैं। तो मेहरगढ़ का एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, सो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की, पहले थे ह्यूमन के बारे में, बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, एक बार आप इसको लाइन टू लाइन रीड करना, ये लेक्चर आप देख लो, उसके बाद आप लाइन टू लाइन रीड करो, आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप एक बार पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, सो दिस वॉज अ लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।